नमस्कार फोकस प्लस रो स्वतंत्र उपस्थापना को स्वागत करू छी मु समीर दर्शक बंधु पूर्ण थरे सही गुरुत्वपूर्ण प्रसंग जे प्रसंग आमे बारंबार देखाई आसी छु प्रथमे भलो करी देखंतु पूर्वरु देखाई थिबा सही चित्र को ते चित्र हेउछि अनुगुल जिला कोनिया एनटीपीसी अंचल रो टिकिरा नदी को संपूर्ण दूषित करुवा कंपानी हूँ एनटीपीसी सीधा सड़क पाइप द्वारा बांकुली नाल मध्यम टिकिरा नदी को धड़ा जहर छाड़ी एनटीपीसी साधारण अंचल रोकवा जनता दुख बुझा कही ना एनटीपीसी कंपानी दादागिरी केतजन प्राण जीव प्रशासन आखि सामने एभली कार्य करु प्रशासन चुप हो बसी बड़ प्रश्न उठु प्रशासन बाबू मैंने कौन एनटीपीसी ठारू मोटा लाच ने कि जदि ने कहीं साधारण जनता स्वर सह स्वर मिलाऊना बड़ प्रश्न आम सीधा सड़ख एनटीपीसी को कहूँ कहीं बारंबार अभियोग पर एनटीपीसी अधिकारी शुणुना साधारण जनता स्वर सह सबुबे रही फोकस स्वर जहाँ से समस्या समाधान न होबा जाए रही थी खाली एतक नुहे आहुरी अनेक किछि अछि आ ए चित्र मध्य देखंतु भल करि एहेउछि अनुगुल जिलार एनटीपीसी रु गोडी बंध को संयोग करूथिबा 53 नंबर जातीय राजपथ एनटीपीसी मार्केट दे सह सह मालवाही पाउस बोझे गाड़ी यातायात करुच्ची रास्तार प्रत्येक दिन एनटीपीसी गदा गदा पाउस कहीं कणिहार मसुणी होता एवं डेरांग छेंडीपदा ब्लक को संयोग करुवा मुख्य रास्तार दुई पाखे रखी व्यवसाय चल एनटीपीसी कहा इंगित व्यवसाय चल एनटीपीसी ना प्रशासन एहमत एनटीपीसी ए बेपार व्यवसाय करने एनटीपीसी को किए सहयोग हाथ बढ़ाई आ साधारण जनता प्रतिदिन दैनंदिन जीवन यात्रा करुवा जो रास्तार दुई पार्श्वर जो पाउस गदा गदा कर एनटीपीसी कहा स्वार्थर यही रास्तार प्रत्येक दिन कुनि कुनि पिला स्कूल को जाऊँ कॉलेज पिला चाकरी कर दिन मजूरिया पर्यंत समस्ते यातायात करुँचे किभली भाव में गदा गदा पाउस बोझ व्यवसाय चलाई एनटीपीसी प्रशासन जनातरे भली बेआईन भाव मनमानी चलाई एनटीपीसी हेले प्रशासनिक अधिकारी नीरव पाउस द्वारा से ही रास्त यातायात करुवा लोके प्रभावित होती कहीं एनटीपीसी को समन करूना जिला प्रशासन साधारण लोकों जीवन सह एनटीपीसी जेभली भाव खेल खेलु आगामी दिन में यह तीव्र विरोध कर आंदोलन हो स्थानीय लोके प्रकाश कर एनटीपीसी जो चुक्ति करी स्थानीय लोकं चाकरीर सुजोग देव जो मैंने जगह हर जमीहरा प्रजा मान जमी जगाई देव हेले ए जावत कहीं से प्रतिश्रुति पूरण है कहीं एनटीपीसी ए पर्यंत से प्रतिश्रुति पूरण करा ना आ बारंबार अभियोग पर कहीं एनटीपीसी से प्रतिश्रुति पूरण करूना यह मध्य बड़ प्रश्न प्रशासनिक अधिकारी सामने जो प्रतिश्रुति एनटीपीसी कड़े गला से प्रतिश्रुति स्थानीय लोक जो मैंने जमी हर सर्वशांत होती एनटीपीसी से केवे मिल प्राप्य ढेंकानाल सांसद महेश साहू तालचेर विधायक ब्रज किशोर प्रधान पाललहड़ा विधायक मुकेश पाल समेत अनेक लोक बारंबार जन आंदोलन कर किंतु एनटीपीसी कर्तृपक्ष प्रतिश्रुति पूरण करना एनटीपीसी मनमानी कार्यकलाप को नहीं राजरास्ता अवरोध करते सबू पर
काहीकि एनटीपीसी रा कर्तृपक्ष नजर देउनाहंती बारंबार प्रतिश्रुति दे एनटीपीसी पूरण करिला नाही यहाकु नै अनुगुल जिलापालक कार्यालय सभागृह रे एनटीपीसी रा नवम आरपीडीएस बैठक होइथला उत्तर केन्द्रांचल आरडीसी निरंजन साहू मध्य उपस्थित थिले जिलापाल बैठक को परिचालन करूथिले डीआईजी सार्थक सडंगी एसपी जगन मोहन मीनांक समेत बहु विभागीय अधिकारी एवं एनटीपीसी रा पदाधिकारी माने मध्य एही बैठक रे जोग दैथिले बैठक रे ढेंकानाल सांसद महेश साहू तालचेर विधायक ब्रज किशोर प्रधान पालनहड़ा विधायक मुकेश पांग समेत बहु निर्वाचित प्रतिनिधि बैठक रे थिले बैठक आरंभ रो विगत 8 थर जहां निष्पत्ति निया जाईथिला से संपर्क रे आलोचना करा जाईथिला किंतु सबु तक आलोचना खिणक पाइथिला बासे सबु आलोचना गोटे प्रसंग भित्ति नथिला जो भली प्रतिश्रुति देउथिला एनटीपीसी समान ढंग रे पूर्णि मध्य प्रतिश्रुति दवा पाई प्रस्तुत किंतु पालन करबा पाई समर्थ हेउ नाही आउ एही जो आलोचना होइथिला जिलापालक ऑफिस रे आलोचना रु जणा पडिथिला जे जहां निष्पत्ति होइथिला कोनोसी गोटिए हेले कार्यकारी होइ नाही एपरी कि एनटीपीसी कर्तृपक्ष कोनोसी गोटिए चुक्ति मध्य पूरण करि नाही सांसद विधायक बैठक रो प्रशासनिक अधिकारी मानको यार जवाब मागिथिले किंतु कोनोसी प्रशासनिक अधिकारी सठिक जवाब देइ पारि नथिले एडी प्रश्न आसुछि प्रशासनिक अधिकारी साधारण लोकक पई ना एनटीपीसी कंपनी पई यहां पर बैठक आरंभ रु सांसद विधायक विरक्त प्रकाश करबा स उठि पळाई थिले अभिजोग करथिले जे एभली बैठक परे बैठक बारंबार हेउछि किंतु यहार किछि सुफल मिलु नाही से पूर्व पाठर विवरणी केबे सरु नाही कि जमीहरा प्रजा मानकर दुख आज पर्यंत लाघव हेई परउनि मैनेजमेंट प्रत्येक थर तर जो तलस्तर अफिसर आसने कौन सी प्रकार एम शक्ति ना से कौन डिसीजन नाला भाई एम एठू गलापर आरपीडीएससी मीट को हेय ज्ञान कर कौन आम आरपीडीएससी पठेचु मिनिट्स पठेचु कॉर्पोरेट ऑफिस को दिल्ली कॉर्पोरेट ऑफिस को भुवनेश्वर कॉर्पोरेट ऑफिस को एणुतर से जवाब आसुनि एणु आम अनुभव कलु आरपीडीएससी आम जिलापाल एवं आरडीसी अध्यक्षतार आरडीसी अध्यक्षतार डीआईजी एवं एसपी आम कलेक्टर है कन्भेनर जदि मूल्यहीन भावुंत एनटीपीसी कर्तृपक्ष से गोटे नीतिगत भाव में एनटीपीसी कर्तृपक्ष आरडीसी को कलेक्टर को डीआईजी को एसपी को से तरह ग्यारंटी दिंतु जो पूर्व विगत दिन में कम हो जहाँ मिनिट्स कर आरपीडीएससी से ग्यारंटी देवे और कम कर से दायित्व कहुई आम मीट अवगत करूँ और आम समस्ते यह अनुभव कलु लोक सहित अन्याय अविचार करुच्चे एनटीपीसी कर्तृपक्ष एणु आरडीसी कलेक्टर डीआईजी एसपी यह ग्यारंटी नहीं कम कर माननीय सांसद माननीय विधायक तालचेर आम जिला अध्यक्ष एवं समस्त प्रशासनिक अधिकारी कंपनी कर उपस्थित थे दुखर कथा माननीय सांसद और माननीय विधायक तालचेर जो कथा कहले जे जेपर्यंत आज पर्यंत जेपर्यंत आरपीडीसी बैठक होतीटा से जहाँ निष्पत्ति पर्यंत कार्यकारी हो पारे जदि समस्त कंपनी कर्तृपक्ष जिला प्रशासन उपस्थित माननीय सांसद एवं विधायक उपस्थित निष्पत्ति कार्यकारी करना तेणु माननीय सांसद एवं दालचेर विधायक महोदय ये प्रस्ताव रखिले जे कंपनी कर्तृपक्ष आज ग्यारंटी दिंतु जो 15 दिन बा 7 दिन भितर ये कथा को कार्यकारी करेंगे जेपर्यंत से ग्यारंटी देवे से पर्यंत आम बैठक में बसबू और बैठक आरंभ हम जदि कंपनी कर्तृपक्ष ग्यारंटी दे पारे ना तो बैठक आम चलो तर निष्पत्ति आम आसीचु आम जनसाधारण पाखे अच्छू जो मैंने जमी हर कंपनी तार बेनिफिट नौ जनसाधारण आम पूरा प्रस्तुत अच्छे लोकप्रतिनिधि हिसाब से एवं आगामी दिन में केमी क्षतिपूरण से पाइबे लोक न्याय पाइबे आम जनसाधारण सहित रही 30 वर्ष रु अधिक समय बीती गला किंतु जमीहरा प्रजा मानू निजुक्ति दि जाए से जमी जोगाई दि जाए आमको बासस्थान पर्यंत कि एपर्त जोगाई दि जाए दीर्घ 30 वर्ष
ଯଦି ଦୀର୍ଘ ତିରିଶ ବର୍ଷ ଏନ୍ଟିପିସି କମ୍ପାନୀ ଗଢ଼ି ଉଠିଲାଣି ତାହେଲେ କମ୍ପାନୀ କେତେ ପ୍ରଫିଟ୍ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କଠାରୁ ସର୍ବଶାନ୍ତ କରି ସବୁ ଲୁଟି ନେଇଥିବା ଏ କମ୍ପାନୀ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଏଥିଲାଗି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଦୀର୍ଘ ତିରିଶ ବର୍ଷର କମ୍ପାନୀ ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଚାକିରି ନାହିଁ ବା ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଯେଉଁ ଜମି ନେଇଛି ସେ ଜମିହରା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମି ଦେଇନି ବା ତା'ର ପ୍ରାପ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇନି। ତାହା କେବେ ଦେବ? ବୈଠକ ପରେ ବୈଠକ ହେଉଛି ହେଲେ ବୈଠକର ଶେଷ ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ଆସୁଛି? ଭାଗ ଶେଷ ଶୂନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୈଠକରେ ଏମିତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ତାହା ପାଳନ ହେଉନି। ତାହା ସାଧାରଣ ପରି ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ଚାଲିଛି। ଦୀର୍ଘ ତିରିଶ ବର୍ଷ ହୋଇଯିବ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁ ପ୍ରଜା ତାଙ୍କର କ୍ଷତିପୂରଣ ଅର୍ଥ ପାଇନାହାନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଖାଲି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉନାହିଁ। ଖୋଦ ସାଂସଦ ବିଧାୟକ ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏନ୍ଟିପିସି କ'ଣ ପାଇଁ ଦାଦାଗିରି କରୁଛି ଏହା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏତେ ବୈଠକ ବାରମ୍ବାର ନ କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଉ ବୋଲି କହିଥିଲେ ସାଂସଦ ଏବଂ ବିଧାୟକ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସ୍ପି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏଥର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ବୈଠକରେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ ତାହା ତୁରନ୍ତ 15 ଦିନ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ଏଭଳି ଦୃଢ଼ ଦାବି କରିଥିଲେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନ ମିଳିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବୈଠକ ବର୍ଜନ କରିଥିଲେ। କାହିଁକି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ବାରମ୍ବାର ଏନ୍ଟିପିସିକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି? ଏନ୍ଟିପିସି ସହିତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କର କ'ଣ ଭିତ୍ତିରେ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ଯଦି ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଜମିହରା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଜମି ଦେବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, କାହିଁକି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଉନି? ତା ପ୍ରତି ବଦଳରେ ଏନ୍ଟିପିସିକୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଉଛି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ। ବାରମ୍ବାର ବୈଠକ ହେଉଛି, ବୈଠକର ଶେଷ କିଛି ବି ବାହାରୁନି। ଆଉ କେତେ ଥର ବୈଠକ ହେବ? ଶେଷରେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ସିଧାସଳଖ ଶୁଣେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯଦି ବୈଠକର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଳନ କରାଯାଉନି ତାହେଲେ ଏଭଳି ବୈଠକ ଆଉ ବାର ବାର ନ କରନ୍ତୁ ବା ବାରମ୍ବାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଏନ୍ଟିପିସିର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ କାହିଁକି ବିରୋଧ କରୁନାହିଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ? ଏହା ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏନ୍ଟିପିସି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା ଜମିହରା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବ ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ମିଳିପାରିନି ଚାକିରି? ଆଉ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏନ୍ଟିପିସି ତା'ର ମନମାନି ବନ୍ଦ କରିନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଚାଲିଛୁ ଆଉ ଏ ଖବର ଆମେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରସାରଣ କରିବୁ। ଆଜିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ www.focusplus.com। ନମସ୍କାର।